नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। कंगना रनौत बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में से हैं जो हर मुद्दे पर खुलकर बात करती हैं, बात चाहे फिर बॉलीवुड में चल रहे नेपोटिज्म की हो या फिर कोई मुद्दा हो राष्ट्रवाद का। कंगना एक ऐसी सेलिब्रिटी हैं जो बेबाक होकर अपनी बात रखती हैं। अभी हाल ही में एक शो में जब कंगना से बॉलीवुड वर्सेज साउथ की कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने वहाँ भी बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड ने बड़े लंबे समय तक भारतीयों को उनकी पहचान को लेकर गिल्ट महसूस कराया और उन्हें खराब तरीके से दिखाया भी है। यही वजह है कि अब लोग साउथ का सिनेमा देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि वहाँ उनकी भारतीयता गर्व से दिखाई जाती है। कंगना ने कहा कि साउथ फिल्मों के चलने का सबसे बड़ा कारण यही है कि उनकी फिल्मों में भारतीयता उभर कर नज़र आती है। उन्होंने कहा कि जो भी फिल्में चल रही हैं इस समय वो बहुत ही ज़्यादा भारतीयता वाली हैं। अब कांतारा ही देख लो, कांतारा में भारत का एक ऐसा पहलू दिखाया जाता है जो माइक्रो लेवल पर भक्ति या अध्यात्म से जुड़ा है। कंगना ने कहा हमारा बॉलीवुड जो संस्कृति से बिल्कुल दूर जाकर बहुत ही ज़्यादा वेस्टर्नाइज हो चुका है और यही रीज़न है कि अब ऑडियंस बॉलीवुड की फिल्मों से उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाती। कंगना ने खुद 2022 में आई अपनी फिल्म धाकड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अपनी फिल्म फ्लॉप होने से भी उन्हें यही बात समझ आई कि बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कैरेक्टर से ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पा रही। साउथ की फिल्में देखकर पहली बार एक भारतीय प्राउड फील कर रहा है अपनी संस्कृति पर, अपने पहनावे पर, अपने कलर पर, अपने स्किन टोन पर। हर भारतीय में अचानक एक गर्व का सेंस आ गया है और यही काम करने में बॉलीवुड काफ़ी टाइम से नाकाम रहा है। अब देखो, कंगना की ये बात पूरी तरीके से गलत भी नहीं है। बॉलीवुड की फिल्में अब बहुत ही ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होने लगी हैं और यही कारण है कि बॉलीवुड की फिल्में लगातार फ्लॉप पे फ्लॉप हो रही हैं। और अगर इसी आइडियोलॉजी के साथ बॉलीवुड चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ऑडियंस सदर्न सिनेमा देखना ज़्यादा पसंद करेगा। अब आप लोगों की कंगना रनौत की इस खबर के बारे में क्या राय है ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और बी टाउन से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।